नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ idioms पर डिस्कस करेंगे। उनमें से फर्स्ट है as right as rain। as right as rain का मीनिंग है परफेक्ट। जैसे कि आपने किसी को कोई ऑर्डर दिया या कुछ बोला उसको, तो उसने एकदम जो आपको चाहिए था वो एकदम परफेक्ट वो ही बनाया जो आपको चाहिए था। सेकेंड है रैट रेस। रैट रेस का मीनिंग है जैसे कि संसारिक चीजें उसकी चिंता करना और जो आपका जीवन है उस पर जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना और आपको आनंद उसी से आनंद लेना, संसारिक से जो आपका जीवन है उसके कि कभी बैठ कर भजन कर लेना। संसारिक का मीनिंग जैसे कि धन आ गया, पौधा आ गया, जो भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो आपको जीवन कभी सोचना चाहिए। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर खत्म कर दूँ। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं आज आपके समक्ष पुनः कुछ idioms लेकर के उपस्थित हूँ। और देखिए, ये idioms अपने आप में भाषा से संबंधित हो सकते हैं, लिटरेचर से हो सकते हैं, परंतु जीवन को भी हमको बहुत अच्छी ज्ञान देते हैं, जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, कुछ प्रिकॉशन भी अपने को इनडायरेक्टली देते हैं, तो ध्यान से सुनना चाहिए। पहला, एक्सपीरियंस इज द टीचर ऑफ फूल्स। देखो, मैं इसको इस तरह से करता हूँ कि दोज हु डू नॉट लर्न बाई अदर्स एक्सपीरियंस आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। जैसे मैं ये कहूँ कि आप रेलगाड़ी के सामने यदि मोबाइल लगा करके चलते हैं, आपके कानों में लग करके चलते हैं, तो डेफिनेटली यू विल मीट एन एक्सीडेंट। तो इसके अखबार में बहुत आती है कि भाई ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है रेल के पास में, आप जो है ना ये जो कानों में लगा करके ये जो सुनते हो ना, ये नहीं सुनना चाहिए। अब उससे तो आप सीखे नहीं, और अपने अनुभव से सीखना चाहोगे तो यू विल मीट एन एक्सीडेंट, आप अपने आप को खो बैठोगे। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों के अनुभव से सीखता है। अब हम देखें, पता है हमको दूसरों ने अभी अग्नि में हाथ जलाया तो हाथ जलता है, अब हम भी लगा करके देखेंगे कि जलता कि नहीं जलता है। तो ऐसा काम नहीं करो, जो एक्सपीरियंस है ना वो देखिए टीचर ऑफ फूल्स। अब आप खुद ही कहोगे मैं तो सारा अनुभव मैं अपने आप ही प्राप्त करूंगा और फिर ही मैं ज्ञानी बनूंगा, तो दे आपका मतलब है आपका टीचर ऑफ फूल्स, यानी एक्सपीरियंस जो है ना वो मूर्खों का टीचर है। तो आपका मतलब यह है कि स्वयं एक्सपीरियंस नहीं करके दूसरों ने जो किया है ना उनसे सीखो। मनुष्य जाति का यही सबसे बड़ा गुण है कि जो जाने वाली पीढ़ियां हैं वो कुछ सिखा के जाती है, वो हमको कुछ कैपिटल देकर जाती है, उस कैपिटल का हमारे को संजो के रखना चाहिए और उसे सीख लेना चाहिए। और लेते भी हैं, सारी किताबें, सारा ज्ञान, सारे मोबाइल, सारे कैमरा, सारी गाड़ियाँ, सारे कंप्यूटर, ये क्या है? हमारी जो पीढ़ी गई है वही तो देखकर जा रही है। अब हम आने वाली पीढ़ी को कुछ इसको और संवर्धित करके देंगे। तो एक्सपीरियंस इज द टीचर ऑफ फूल्स, कहने का मतलब यही है कि ऐसा नहीं कि मैं तो मेरे अनुभव से ही सीखूंगा, दूसरों ने जो अनुभव किया वो नहीं सीखेंगे तो आप फूल हैं। गो एंड बॉयल योर हेड। अब आप किसी पर नाराज हो गए, सीखता ही नहीं है, कहना मानता ही नहीं है, बिल्कुल मूर्खों जैसी बात करते हैं, तो आप अल्टीमेटली दुखी होकर क्या कहेंगे, नाराज होकर के क्या कहेंगे? हैं, गो एंड बॉयल योर हेड, तेरा हेड ही खराब है। कॉल ऑफ द डॉग्स। कॉल ऑफ द डॉग्स का मतलब है कि आप जो है गलत दिशा में चले गए हैं, आपका जो मूवमेंट है अब गलत दिशा में है, आप टारगेट पर नहीं पहुंचेंगे, तो यू कैन कॉल ऑफ योर डॉग्स। ये इसका मतलब आप वापस रिट्रेस हो, आप अगेन अपनी ड्राइंग टेबल पर आओ। तो ये लिया गया, जो शिकारी है शिकार करने जाता है तो उसके कुत्ते यदि दूसरी दिशा में चले जाते हैं जिधर की प्रे है ही नहीं, तो देन ही विल कॉल हिज डॉग्स बैक और फिर सही दिशा में ले जाएगा। तो ये जो है ना वो उससे शिकारी से लिया गया। तो अब आप यही कह सकते हो कि यदि आप गलत दिशा में चल रहे हो, आपको पता लग गया कि इससे मैं टारगेट पर नहीं पहुंचूंगा, तो कॉल ऑफ योर डॉग्स। नाउ सेंड टू कोवेंट्री। स्वयं टू काउंट्री का मतलब है कि हम जो है आपको आपका अस्तित्व ही अस्वीकार करते हैं, आप इस दुनिया में हो ही नहीं, हम आपको देख ही नहीं रहे, तो आपकी कितनी बेइज्जती होगी, आप एक तरह से इस दुनिया में मरे हुए माने जाओगे, आप है ही नहीं। तो ये कैसे लिया गया कि ये जब इंग्लैंड में सिविल वार हुआ था 17वीं शताब्दी में, चार्ल्स सेकंड की जब एग्जीक्यूशन हो गया था, उसके बाद में ओलिवर क्रॉमवेल ने जो है ना सत्ता, लॉर्ड प्रोटेक्टर ने सत्ता संभाली थी, तो कुछ जो सज्जन थे जो पार्लियामेंट के विरुद्ध थे उनको जो है ना ओलिवर क्रॉमवेल ने कोवेंट्री गांव में भेज दिया, और कोवेंट्री गांव में भेज दिया तो उनको मतलब एज इफ की दे आर नॉट देयर, देयर एग्जिस्टेंस इज क्वेश्चनेबल, उनका अस्तित्व ही नहीं है।
तो इसका मतलब आप इसको फिगरेटिवली लेंगे तो हम कहते हैं कि सेंट टू कोवेंट्री का मतलब है हम मानते ही नहीं कि आप हैं, आप बिल्कुल नेग्लेक्टेड कर देते हैं हम आपको, आपका न तो कोई व्यूज लेंगे न आप हाँ आपसे वार्तालाप करेंगे, तो नाउ एज इफ यू हैव बीन सेंट टू कोवेंट्री। तो यह एक तरह से बहुत ही बड़ा आपके लिए लज्जा की बात है। हैव द करेज ऑफ वंस कन्विक्शंस, आपके जो आत्मबल है आपका जो बल है उसका आप मुताबिक आपकी आइडियोलॉजी के मुताबिक आप कुछ करने में सक्षम हैं या डर जाएंगे, डर जाएंगे, या आपकी जो आत्मा कहती है वो वैसा करने की आप हिम्मत रखते हैं, तो यू आर हैविंग द करेज ऑफ योर कन्विक्शंस। और यदि आप थोड़ा बहुत भी सोचे इससे ये नुकसान हो जाएगा, मेरा व्यापार फेल हो जाएगा, मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, लोग मेरे पास ये कहेंगे, मुझे लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे उससे आप डरोगे ना, तो यू आर नॉट हैविंग द करेज ऑफ कन्विक्शंस। आप देख लीजिए, अभी देख लीजिए, तो कल परसों में तो अर्णब गोस्वामी के साथ हुआ, ही इज हैविंग द करेज ऑफ हिज कन्विक्शंस। वो क्वेश्चन करता है हाई एंड माइटी को, कहता है कि आपको जवाब देना पड़ेगा, आप अब तक तो चिल्लाते रहे थे, अब क्यों नहीं चिल्ला रहे हो। ये होता है करेज ऑफ कन्विक्शंस। तो आपकी जो आत्मा कहती हो, आपका जो आइडियोलॉजी हो, उसके मुताबिक आप कुछ करने को भी संसार में करने की भी हिम्मत रखते हो ना, तभी हम कहते हैं यू आर हैविंग द करेज ऑफ कन्विक्शंस। ऑन ए विंग एंड ए प्रेयर, अब आपका कोई काम होना है तो थोड़ी बहुत तो प्रार्थना और थोड़ा बहुत आपका कृतित्व है, दोनों मिलकर के करें तो आपका हो सकता है। तो इस पर ये कैसे लिया गया है कि जैसे जहाज है, हवाई जहाज है, अब उसका एक पंख टूट गया, अब उसका आने की संभावना नहीं है कि आपको जो है ना वापस उस एरोड्रम पर पहुंचा देगा या सेफ लैंडिंग करा देगा। तो यदि वो करा दे तो आप क्या कहोगे कि ऑन ए विंग, एक तो विंग था और मैंने प्रभु की प्रार्थना की, यानी हमारा काम हो गया। हालांकि बहुत ही ये देखिए कि प्रिकेरियस पोजीशन थी, बहुत नाजुक स्थिति थी, परंतु हमारा प्रेयर और एक था विंग, यानी कुछ तो हमने, हमारी हिम्मत थी, भगवान की प्रार्थना करी, कुछ हमारे करेज ऑफ कन्विक्शन था, और कुछ जो है ना हमारे को मशीनरी ने भी साथ दिया। तो हम हमारा ऑन ए विंग एंड ए प्रेयर। और नेक्स्ट है ओल्ड चेस्टनट, ये कोई एक मेलोड्रामा से आया। अब उसमें एक पात्र है, वो बार बार वही स्टोरी कहता है, तो जो सुनने वाला कहता है कि स्टॉप योर ओल्ड चेस्टनट, यू हैव टोल्ड इट मी 27 times। तो ओल्ड चेस्टनट का मतलब आप उसी चीज को बारंबार कहते रहते हो, और 27 बार आपने कह दिया तो मैं क्या कहूंगा, स्टॉप योर ओल्ड चेस्टनट। तो देखिए, यदि आप ऊब जाते हो किसी चीज से जो आपको कोई बहाना बनाता है या कोई चीज बताता है या अपनी कृतित्व बताता है, बारंबार कहता है, तो अल्टीमेटली आप क्या कहोगे, यू विल बी फेड अप, यू विल गेट एग्जास्परेटेड, देन यू विल आस्क हिम स्टॉप योर ओल्ड चेस्टनट। तो देखिए, इनको आप स्मरण कर लीजिए, और जैसे आप अच्छा कर ही रहे हैं, देख रहे हैं रोजाना, तो आप कृपा करके देख लीजिए, और इन जितने भी idioms हैं इनकी लिस्ट बनाते रहिए, और किसी प्रकार का कोई आपको और एक्सप्लेनेशन जाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा।